हेलो गाइस, कैसे हो, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो दोस्तों यार, ये वर्कआउट है ना, हमारा पूरा डे बहुत प्रोडक्टिव कर देता है। अभी तो गर्मी की सीज़न है, पर सही में यार बहुत मज़ा आती। एक टाइप का मोटिवेशन होता है वर्कआउट। आप अगर एक बार गार्डन में आ गए, इट फील दैट इट मेक यू होल डे मोटिवेटेड। और आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार, लाइक कुछ किया है पूरे दिन में, कुछ किया है, तो आपको सभी एक्टिविटी अच्छी करने का इच्छा होगी पहले से ही, और पूरा डे मस्त रहेगा। अच्छा अच्छा खाओगे, माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। सो होप यू गॉट इट व्हाट आई एम गोइंग टू से। ओके, नाउ आई हैव टू गो एंड कुछ खाना है। आज कुछ भी नहीं खाया। वैसे मैं रोज़ 1 kg बनाना ले लेता हूँ और खाता हूँ अच्छे से। रात तो वो भी नहीं खाया यार, क्योंकि बिगड़ गए थे। वैसे ले ली थी ये थे, पर आधे सारे बिगड़ गए थे। अभी मेरे को ले के कुछ खाना पड़ेगा, तब जाके और वर्कआउट करूँगा, तब जाके क्लास जा पाऊँगा। ओके, सो आज इतना ही, कल मिलते हैं गार्डन में। अभी तो मेरा व्लॉग और आगे चालू रहेगा, और दोस्तों व्लॉग दूसरे लोगों को दिखाओ यार, डेली व्लॉग्स आते हैं मेरे। ओके, दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज। गाइस, दिस वर्कआउट इज लिटरली अ बेनिफिट फॉर अस। इट मेक मी एनर्जेटिक, इट्स मेक माय डे होल प्रोडक्टिव, एंड आई फील यस आई डिड समथिंग मॉर्निंग। वो कहते हैं ना कि रातें कठिन हो सकती है, जल्दी समय कठिन हो सकता है, पर बाद में पूरा दिन सरल होगा, इजी होगा, एंड यू फील मोटिवेटेड ऑल द डे। सो ऑलवेज ट्राई। मुझे पता है कि आप लोग करते होंगे। बढ़िया, सही में यार, इट्स फील अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग। ओके मैन, व्हाट अ कैप्चरिंग बाय पर्वत सिंह दामोर। यो माय वर्कआउट एंड आई एम रियली हार्ड। You can see this sweat. Okay, now Surya Namaskar, one of the most amazing. Surya Namaskar. हर लोग कहा करते सूर्य नमस्कार में क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे होता है। मैंने पहली बार सूर्य नमस्कार किया, अब इसमें क्या बेनिफिट है मुझे पता ही नहीं चला कि सूर्य नमस्कार में बेनिफिट क्या है। पर बाद में जब मैंने प्रॉपरली किया, ऑल पोजिशन विथ ब्रीथिंग आउट, देन आई गॉट यस, इट्स फुल रिलैक्स एंड इट्स टोटली बेनिफिट फॉर अवर हेल्थ। वाई नो, वेन वी डू सूर्य नमस्कार फॉर अवर हेल्थ, हाउ इट्स बेनिफिट, यू नो, कैसे हमको सूर्य नमस्कार बेनिफिट करता है पता है। क्योंकि हम नॉर्मल डे में क्या करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी में हम ब्रीथ लेते रहते हैं स्मॉल, बट इसमें क्या, इसमें ब्रीथ लेंगे तो हमारे लंग्स खुलेंगे, बॉडी खुलेगी, तो हम प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहे हैं, और पूरी तरह से हमारी पूरी वेंस में, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुँच पा रहा है इसके साथ साथ करते हुए। सो दिस इज द बेनिफिट एंड वी विल डेफिनेटली हेल्थी फॉर अवर लाइफ। पर्वत सिंह जा रहा है मल्हार को लेने के लिए। वाओ गाइस, मैं अभी नहा धो के वापस ऑन द ड्यूटी मल्हार को लेने जा रहा हूँ। हाँ तो यार, भयंकर सो गया, पर पता नहीं थोड़ा रूम गरम लगती है,
अपर फ्लोर है ना, तो इसलिए सुकून सी नींद नहीं आती है। जब उठता हूँ तभी पता चलता है कि भाई सुकून की नींद आई या नहीं आई। सो आज आए बहुत सो गया, पर फिर उठा उस टाइम पे गरम गरम लगा, एंड दैट्स नॉट गुड। ओके सो अभी मेरे स्टूडियो में जाऊँगा, तब बात करूँगा। ओके मैंने जूती अलग पहनी है, यहाँ है हमारी स्कूटी, ये रहा और चीट जहाँ मैं रोज कैप्चर करता हूँ। मुझे जाना है 403 दीपक पंचाल। ओके नाउ कम ऑन। या फोर्थ फ्लोर, कम ऑन। डोर क्लोज। अरे यार क्लोज हो जा भाई। हाँ अब हुआ क्लोज। ओके नाउ माय फ्लाइट गोस। इसमें ऐसा लग रहा है गाइस, अच्छा लग रहा है यार। तो इधर तो शर्माए बिना कुछ भी जोर जोर के बोल सकता हूँ। इधर आया हूँ मैं और चीड़ भाई लगता है बापू। गुड इवनिंग। गाइस अब हम जाएंगे सीधा मल्हार के बाल भवन खेलने के लिए। क्या बोलते हैं करने का? क्या इसलिए आ गया जल्दी, मीन्स टाइम तो हो गया था पर कंटा लग गया। अभी 5 घंटे जस्ट सोता हूँ ना, पहले मैं इतना नहीं सोता था। सो आज जल्दी आ गया कि चलो यार जल्दी जल्दी भागता हूँ, काम कर लेता हूँ, फ्री हो जाऊँगा। ये है फनी, हमारी स्कूटी कौन सी है? ये वाली। ओके चलो जाएंगे। गाइस फाइनली मैं स्टूडियो में जाके आया, मेरा एक अच्छा वीडियो शूट करके आया, देख लेना मेरे इंस्टाग्राम पर रील्स पे आता है। मेरे रील्स पे यार पता नहीं फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे, मेरे कंटेंट अच्छा आ रहा है, पर हाँ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, मुझे उसका निकालना है क्योंकि बहुत ज़रूरी यार पैसा कमाना भी। अगर हम कुछ कर रहे हैं रेगुलर तो उसके थ्रू पैसा नहीं आएगा ना, तो लाइफ में अगर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रहा है, तो जब तक मनी सोर्स पावरफुल नहीं होगा ना तब तक हम, दिस इज द अल्टीमेट रीज़न वाई वी ऑल डूइंग एवरीथिंग, जो भी कुछ भी कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, तो अगर वो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा ना तो यार घर वाले खुश नहीं रहेंगे, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, और मैं भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाऊँगा। सो अभी इनकम सोर्स कुछ अच्छा जनरेट करना है, चाहे मैं बिजनेस में लग जाऊँ, चाहे मैं कॉन्सिस्टेंस वीडियो क्रिएशन करूँ, चाहे मैं कहीं भी लग जाऊँ, बट मैं एक मनी सोर्स आना बहुत ज़रूरी है मेरे इस टाइम पर। आप देख रहे हो मेरी हालत, 5-5 घंटा ही सोता हूँ, 3-3 घंटा ही सोता हूँ इसके लिए। सो प्लीज़ सब तो गाइस फाइनली मैं मल्हार को छोड़ के आ गया, अब ड्यूटी पे आना है। ड्यूटी पे आज खाना भी नहीं हुआ है, सो प्लीज़ आई एम गेटिंग एग्जॉस्टेड। सो चले जाए ड्यूटी जाना है आज, जो ब्लॉग भी बहुत शॉर्ट हुआ है यार। यार नहीं चलेगा, फिर लोग कैसे मेरे को आगे बढ़ाएंगे, फिर कैसे मैं फाइनेंशियली फिट हो जाऊँगा। ओके कोई बात नहीं गाइस, फिर भी ओ गाइस ये देख रहे हो, ये गैया सभी जा रही है अपने घर पे। इतनी रात हो चुकी है पर इनको देख के मुझे कुछ ना कुछ महसूस हुआ तो मैंने शूट कर लिया। आपको भी अच्छा लगता होगा उनको देख के। देख रहे हो ये लोग जा रहे हैं यार, क्योंकि सुबह सुबह मैं इनको देखता हूँ बहुत फ्रेश होके जाते हैं, अभी शाम में जा रही है। सुबह भी मैंने इनको कैप्चर किया था और नाइट में भी जाते हुए कैप्चर कर रहा हूँ। देख के मुझे बहुत खुशी हुई इसलिए मैंने कैप्चर किया, और यहाँ अपना व्लॉग्स ख़त्म होगा आज, लेट ख़त्म कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच गाइज एवरीबडी।